किसान अंदोलन दी किसान अंदोलन दे चलदिया हरियाणा विच सख्ती जड़ी है वह कर दी गई है। हरियाणा के बॉर्डर सील करते गए ने, हरियाणा के पंजाब के नाल लगते बॉर्डर से धारा 144 लगा दी गई है। जो सख्ती जड़ी है ना हरियाणा बॉर्डर से नजर आ रही है, जिस नाल वाधू पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो हूँ धारा 144 इतने हरियाणा के नाल पंजाब के नाल लगते बॉर्डर से लगा दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स दीयां पांच कंपनियां की तैनाती करती गई है। सो सख्ती हूँ नजर आ रही है, जिस नाल सवेर तो तुहानूं असीं तस्वीरां भी विखा रहे हैं कि किस तरह के नाल बॉर्डर से हूँ वाधू पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हूँ धारा 144 जड़ी है वह भी लगा दी गई है। हरियाणा के पंजाब नाल लगते बॉर्डर से धारा 144 लगाई गई है। रैपिड एक्शन फोर्स दीयां पांच कंपनियां भी तैनात की गई ने। हर तरह की स्थिति नाल नजिठण दे लई पूरी तैयारी जड़ी है नज़र आ रही है। जिथे वाटर कैनन्स जड़े ने उसकी गड्डियां नज़र आ रही ने, उत्थे फायर ब्रिगेड की गड्डी भी मौके पर मौजूद है। वाधू पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो तमाम इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिखाई जा रही ने। अमनप्रीत तो जानकारी ताज़ा लेने अमन, जिस तरह के नाल सवेर तो ही देख रहे हैं कि इतने मुस्तैदी नज़र आ रही थी, तो हूँ इतने होर सख्ती होंगी नज़र आ रही है। जी अगर शंभू बॉर्डर की गल की जाए तो राधा हाल कि क्योंकि लगातार सवेर से ही पुलिस फोर्स इतने तैनात है, 144 धारा भी लगा दी गई है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल बोलन उत्थे तैयार नहीं हो रहा है। पुलिसकर्मी थोड़ी एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि वो अपनी तैयारी पूरी करके बैठ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके जिमें ही उन्होंने कोल ऑर्डर आएंगे कि प्रॉपर सील कर दिया जाए, तुरंत तौर पर इसको सील कर दिया जाएगा, रूट्स भी डायवर्ट कर दिए जाएंगे। हालांकि हले थोड़े जे पुलिसकर्मियों को शायद कोई किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं पहुंची है, कोई हले ऑर्डर नहीं है, जिसके चलते हुए पुलिसकर्मी थोड़े जे लीनियंट इतने देखने को मिल रहे हैं। हले उन्नी सख्ती नहीं देखने को मिल रही, लेकिन तैयारी पूरी की गई है। सवेर तो ही लगातार इतने तैयारी जारी है, सारे पुलिसकर्मी इतने मौजूद है, सबकी ड्यूटीज भी लगा दी गई है, और बॉर्डर को सील करने के लिए जो जो चीज़ों की जरूरत है पुलिस की फोर्स पूरी इतने पहुँच चुकी है, एम्बुलेंस इतने पहुँच चुकी है। कहा जा सकता है कि विमेन सेफ्टी के लिए भी इतने पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस भी इतने मौजूद है, यानी किसी भी तरीके की कोई भी अगर घटना वापरती है तो कोई अजि चीज़ ना हो इसको वेखते हुए पुलिस वालों पूरी तैयारी है। सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कोल ऑर्डर आएगा तुरंत तौर के उपर पूरा जो बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। तुम देख सकते हो किस तरीके लाइना के सारे पुलिसकर्मी इतने जे कि बैठे हुए हैं। सवेर दो तकरीबन साढ़े तकरीबन 9 बजे के करीब इतने जे कि पुलिस की फोर्स इतने पहुँचनी मौजूद हो चुकी थी। पुलिसकर्मी इतने पहुंचने मौजूद जे पहुंचन लग गए थे, क्योंकि लगातार ये कहा गया कि किसी भी तरीके की पुलिस वालों कोई कमी ना रह जाए बॉर्डर को सील करने लिए, और कोई भी कितने भी कोई छोटी जी भी चूक ना हो जाए इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए, जिसको वेखते हुए पुलिसकर्मी इतने मौजूद है, ऑफिशियल्स भी इतने जे कि मौजूद है सीनियर, लेकिन कोई भी आधिकारिक जरा की है बोलन को तैयार नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर। सर क्या धारा 144 इतने लगा दी गई है? पता नहीं, अफसर ने पता, डीएसपी साहब फिर आप भी तो यहीं पर ही हैं, आप भी सुबह से यहाँ पे तैनात है, तो क्या किसी तरीके की कोई तो सर जानकारी आपके पास पहुँची? 144 तो कल रखी है डीसी साहब ने। सर कब तक ऑर्डर आ जाएगा इसको सील करने का? अभी कोई आपके पास कोई ऑफिशियल जानकारी आने है? अभी अफसर आने वाले हैं, वो बताएंगे फिर ला देंगे सील। कौन यहाँ पे ऑफिशियल आ रहे हैं जो इस चीज की जानकारी दी जाएगी, और क्या जितनी भी जी यहाँ ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जाएगा, और किस तरीके से पूरा यहाँ पे सिनेरियो रहेगा? पूरा कंट्रोल करेंगे जी, डाइवर्ट करेंगे, जैसे भी ऊंची होगा ना टाइम के अनुसार ऐसे ही करेंगे। सर आम लोगों को किस तरीके की कोई दिक्कत ना हो उनके लिए? लोग तो है नहीं, जब आएंगे जब की बात है। जैसे जो ये पूरा ट्रैफिक यहाँ पे जा रहा है उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए रूट तय किए गए अंदर की? क्या करें सर, कोई रूट तय किया गया है कि जो गार्ड जो ड्राइवर क्या कर रखे जी? रूट सारे तैयार है, बिल्कुल फुल प्रोग्राम है। ऑफिशियल आएंगे, आपको ऑर्डर आएगा तो आप यहाँ पूरा सील कर देंगे एक मिनट में। ठीक है सर, बोलो। सर तुसी देखे कि साफ तौर पर किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे, कोई सख्ती पूरी की जाएगी, जिस तरीके का ऑर्डर आएगा विद इन वन सेकेंड उन्होंने साफ तौर पर कहना पूरा सील कर दिया जाएगा। सारे रूट्स भी तय कर लेते गए ने, जिस जिस पास जरा कि पूरा ट्रैफिक जरा डाइवर्ट कर, बिल्कुल तैयारी जी है पुलिस की सवेर तो ही नजर आ रही है, मुस्तैदी इतने नजर आ रही है, और यकीनन जिस नाल इतने हालात बनेंगे तो ट्रैफिक नु भी डाइवर्ट जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, फिलहाल की जानकारी तौर तो दिन भर अस्त लेके अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।